आलो, इसके ना ये निकल जाते हैं कभी कभी। वो प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चलता रहता है अंदर, वो गैस के गोले टैप बन जाते हैं भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों 27 दिसंबर को रिलीज हुई गुड न्यूज फिल्म, जिस फिल्म का डायरेक्शन किया था राज मेहता ने और फिल्म के प्रोड्यूसर थे करण जौहर। फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में थे बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार अक्षय कुमार और उनके साथ में थे करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी। दोस्तों फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन कंप्लीट कर लिए और फिल्म ने इन शुरुआती 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कर ली है ताबड़तोड़ कमाई। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दबंग 3 जो कि गुड न्यूज के एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए जहां 17 दिन हो चुके हैं और दबंग 3 ने जहां 17 दिनों में टोटल कलेक्शन किया था, वो फिर चाहे इंडिया का नेट कलेक्शन हो या ओवरसीज का कलेक्शन हो, उस 17 दिनों के टोटल कलेक्शन को यहां गुड न्यूज फिल्म ने अपने शुरुआती 9 दिनों में ही क्रॉस कर दिया। जी हां दोस्तों, गुड न्यूज फिल्म जिसके पास दबंग 3 से कम स्क्रीन थी, उसके टिकट रेट कम थे, उसके बावजूद भी यहां पे अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज का कलेक्शन 10 दिनों में 17 दिन पहले रिलीज हुई दबंग 3 से ज्यादा हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें गुड न्यूज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर हिट और बहुत ही जल्द फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग भी मिलने वाला है। अगर बात करें दोस्तों गुड न्यूज के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें गुड न्यूज फिल्म ने पहले दिन ओपनिंग ली थी इंडिया नेट से, वो थी लगभग 17 करोड़ 56 लाख रुपए। यही फिल्म ने अपने वीकेंड में कमाए थे 65 करोड़ रुपए और पहले हफ्ते का कलेक्शन था 127 करोड़ 90 लाख रुपए। बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म 8वें दिन कमाए 8 करोड़ 10 लाख रुपए, वही 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग 12 करोड़ के आसपास रहा। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था 148 करोड़, यानी कि 148 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों 10वें दिन के कलेक्शन की, तो 10वें दिन है संडे यानी कि फुल हॉलीडे, और दोस्तों हॉलीडे का फायदा यहां पे गुड न्यूज फिल्म को पूरी तरह से मिल रहा, और यह फिल्म अपने तीसरे संडे भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है ताबड़तोड़ कमाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अब फिल्म को अपने 10वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है लगभग 26 से 27%, वही आफ्टरनून और इवनिंग की बुकिंग भी सॉलिड है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म के 10वें दिन की एडवांस बुकिंग लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए रही। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक की आई है उस हिसाब से देखे जाए तो गुड न्यूज फिल्म अपने 10वें दिन इंडिया में नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 15 से 16 करोड़ के बीच में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो 10 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो जाना है वो रहेगा लगभग 163 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म जहां 10 दिनों में 163 करोड़ कमा लेगी, इसी के साथ अक्षय कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, और वो रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि अक्षय कुमार ने एक ही साल यानी 2019 में 4 फिल्में ऐसी दी जिन्होंने 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जैसे कि केसरी, उसने 154 करोड़ कमाए, मिशन मंगल जिसने 200 करोड़ कमाए, उसके बाद हाउसफुल 4 ने भी 200 करोड़ कमाए, और अब गुड न्यूज भी 150 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। यानी कि अक्षय कुमार के पिछले साल रिलीज हुई 4 फिल्मों ने 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसमें से 2 फिल्मों का तो 200 करोड़ कलेक्शन है। हालांकि आने वाले दिनों में गुड न्यूज फिल्म भी 200 करोड़ की कमाई कर ही लेगी, लेकिन अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों जहां इंडिया का नेट कलेक्शन 10 दिनों में 163 करोड़ रुपए हो रहा है, वही इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 188 यानी कि 188 करोड़ रुपए, वही ओवरसीज का अभी तक का अपडेटेड कलेक्शन आया है 50 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों गुड न्यूज फिल्म ने वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है 10 दिनों में वो रहा 238 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म 200 करोड़ से कहीं आगे निकल चुकी है और कल या परसों तक फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ क्रॉस कर देगा। हालांकि दोस्तों अगर अभी तक भी आपने गुड न्यूज फिल्म नहीं देखी तो फिल्म को देखकर जरूर आए, काफी शानदार फिल्म है, और अगर आप गुड न्यूज फिल्म देखकर आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर, अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और गुड न्यूज फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।